जितने भी व्यापम पीएससी की तैयारी करने वाले हैं एक बार चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर पीएससी और व्यापम से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। साथ ही एडीओ, ठीक है, एडीओ का मतलब होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी। ये बहुत ही जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकता है आपको। अगर व्यापम पीएससी की तैयारी करना ही चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। टोटल हम पंचायती राज व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके हर एक एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सभी को मैं बीच बीच में प्रश्न करते जाऊंगा, उसका आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाना, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। मैं आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा नाम रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कल हमने देखा था भारत का संविधान, ठीक है, हमने भारत का संविधान देखे हैं कल का वीडियो में। अगर आपने नहीं किया है वो वीडियो, ठीक है, आपने वॉचिंग नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कल ही से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 15 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हुआ है पीएससी क्लास और व्यापम के मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। जो लोग प्री और एसआई का, एसआई प्री और मेंस के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो पर, लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा। पंचायती राज व्यवस्था की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। टोटल आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर के तौर पर। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। चलिए पंचायती राज व्यवस्था से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि आप छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। और बड़ी खबर है कि एडीओ की जो पदों पर लेकर बहुत बड़ी खबर है बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो पूछे गए प्रश्न देखेंगे, तो सबसे पहला ये पंचायती राज जो व्यवस्था है आपका 73वां संविधान संशोधन से लिया गया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान से, 73वां संविधान संशोधन से लिया गया है। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करते रहिएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आपके टाइम की बात करें तो 7:30 से लेकर 8:30 के बीच वीडियो का जो रिकॉर्डेड क्लास है अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अब मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संविधान संशोधन आपका 73वां संविधान संशोधन से लिया गया, कौन से संविधान संशोधन से लिया गया है, 73वां संविधान संशोधन से लिया गया है पंचायती राज व्यवस्था। आप सभी बताइए कि लोकसभा में कब पारित किया गया है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है आपका लोकसभा में आपका 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1992 में, ठीक है, 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में आपका 23 दिसंबर को, ठीक है, 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया है, ठीक है। कब पारित किया गया है, लोकसभा में 22 दिसंबर और राज्यसभा में 23 दिसंबर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है वन लाइनर के व्यापम क्वेश्चन में कि पंचायती राज व्यवस्था है लोकसभा में कब पारित किया गया, तो आप बताएंगे 22, अगर यहाँ पर पूछा गया है राज्यसभा में तो आप बताएंगे 23, ठीक है। राज्यसभा में पारित तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हस्ताक्षरित यानी कि राष्ट्रपति आपका हस्ताक्षर कब किया था, तो आप बताएंगे 20 अप्रैल को, ठीक है, 20 अप्रैल 1993, ठीक है, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति आपका अधिनियम कब लागू किया था, जो है आपका अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रपति आपका अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये आपका होगा 24 अप्रैल को, कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, जबकि इसकी अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था की 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ठीक है। अब कार्य की बात करें तो इसके आपका 29 विषय होता है, कितना विषय होता है आपका 29 विषय, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में कितना विषय होता है तो आप बताएंगे 29 विषय, 73वां संविधान संशोधन से लिया गया है, ठीक है। बात करें संविधान का भाग के, तो भाग आपका 9, ठीक है, कौन सा है आपका भाग 9 में
ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो ये आपका आर्टिकल नंबर हो जाएगा 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है हर साल यानी कि प्रति साल आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल। कल हम पूरा देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के जो पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत पूरा मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका पार्ट वन वीडियो है। ये आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 7:30 से 8:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसको मैं आपको करा रहा हूँ। टोटल हम आपको 50 प्रश्न उत्तर कराएंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं फटाफट आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कि पंचायती राज स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आप बताएंगे लॉर्ड रिपन को। सेकंड है, संविधान किस भाग में तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो आप सभी को मैंने अभी बताया बेसिक में, तो जो संविधान संशोधन कौन से भाग में लिया गया? भाग 9 में। ठीक है, संविधान जो संशोधन आपका पंचायती राज व्यवस्था भाग 9। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 से। ठीक है, इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो आप सभी को मालूम है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जो पंचायती राज व्यवस्था है आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण कौन से संविधान से लिया गया? 73वां संविधान संशोधन से। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है, आपके एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित करती है? जो पंचायत समिति होता है ना आपका ब्लॉक पर, ब्लॉक स्तर पर आपका स्तर होता है। ठीक है, चलिए, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया जाता है? तो आप बताएंगे नीति निर्देशक का सिद्धांत। ठीक है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया? मैं आप सभी को बताया हूँ जो पंचायती कभी भी एग्जाम में पंचायत पूछा जाए त्रिस्तर के बारे में, आप बताएंगे 73वें संविधान संशोधन, ना कि 74वें। ठीक है, ये 74वें संविधान संशोधन है आपका नगरीय निकाय से संबंधित है, यानी कि नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका क्या? मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर समझा दिया हूँ, अब ध्यान से वन लाइनर को क्वेश्चन करते जाइएगा। आपके आने वाले पीएससी और व्यापम के एग्जाम में 3 से 4 नंबर के ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और बात करें एडीओ का, तो एडीओ में तो पूरा पंचायती राज से संबंधित क्लासेस मैं आपको करा ही रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से 20 या 25 नंबर का कुछ है वहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था से पूछा जाता है, मतलब वो ग्राम नगर पालिका से ही संबंधित है। एडीओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है आपका सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है ना। चलिए, तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि 73वां जो संविधान संशोधन कौन से अनुसूची में जुड़िया गया है। पहली बात तो यह है कि आप कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको कहीं पर डाउट होता है कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आपको मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बिल्कुल फ्री क्लास करा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस आपसे इतना ही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कम से कम इस वीडियो पर 250 से 300 के बीच लाइक आना चाहिए। ठीक है, बस इतने ही आप सभी के लिए निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है, इसमें वीडियो पर पैसा नहीं अपलोड किया जाता। ठीक है ना, आपको बिल्कुल निःशुल्क है, आप देख सकते हैं, चाहे तो आप मेरी वीडियो पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और भी अगर तैयारी करना चाहते हैं व्यापम पीएससी की, तो मैं आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा क्लासेस कंटिन्यू कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाता का उत्तरदायी होता है आपका राज्य का निर्वाचन आयोग। अब बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपका 25 अप्रैल 1993 को। कब लागू किया था पंचायती राज व्यवस्था? 25। कमेंट करना स्टार्ट करें ना स्टूडेंट, यहाँ पर कमेंट स्टार्ट करें। चलिए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चाहे यहाँ पर आंसर लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, आप कमेंट करना स्टार्ट करें।
चलिए बात करें जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है आपका सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो आप बताएंगे राजस्थान। कहाँ बताएंगे? राजस्थान नागौर जिला 1959 में। ठीक है, ये आपका एग्जाम में बिल्कुल पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई है। देखिए बेसिक की बात करें तो आपको कल मैं पूरा पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जितने भी होते हैं पंचायत से संबंधित है ना, उप सरपंच, सरपंच, मैं सभी का पूरा बेसिक क्लास का लेकर आऊँगा। ठीक है, ये आपका पार्ट वन था, ये आपने वीडियो देख लिया है समझ जाएंगे, और कल का जो वीडियो आने वाला है पार्ट टू वीडियो, बिल्कुल बने रहिएगा कल की क्लासेस में। ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, वॉचिंग कीजिएगा लास्ट तक, वो आपके एग्ज़ाम में कभी भी जाओगे सफल होकर जरूर आओगे, ऐसा मेरा कहना है। तो चलिए, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, आप बताएंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ये विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करके आपको मैं वीडियो में क्लासेस ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऊर्जा में ख़त्म कर रहा हूँ, किस लिए है? आप अच्छे से नंबर लाएँ, अच्छे से सिलेक्शन हो, ऐसा इसीलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में अपलोड कर रहा हूँ 8:30 के बीच में। ठीक है, और आप संविधान की क्लास करना चाहते हैं तो जाइएगा प्लेलिस्ट पर, बिल्कुल CGPSC प्री के नाम से। साथ ही अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती SI की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ। ठीक है, हाँ मैं आपको इंडियन GK और छत्तीसगढ़ के GK क्लास कराता हूँ। ठीक है, मैथ्स की क्लास बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएगी, रीजनिंग का भी जल्द प्रारंभ हो जाएगा, तो आप बने रहिए ना वीडियो पर। क्या नाम है आपका? राकेश, राकेश और क्या है, दिव्या। ठीक है ना, क्लास करते रहिएगा। क्या क्या नाम? बहुत जन, हाँ बिल्कुल सही है सीमा, बिल्कुल सही है। देखिए आप सभी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग बताइए कि जो लोग टेस्ट के रूप में रिवाइज कर रहे हैं वो कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। ये देखिए एग्ज़ाम में आता है ऐसे, इसीलिए मैं आप सभी के लिए लाया हूँ कि इसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय। कमेंट कर लीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, बलवंत राय मेहता समिति, आप कमेंट करके लिखिए बलवंत राय मेहता समिति। और जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोला जाता है? ग्राम पंचायत। मैं आप सभी की इतना ऊर्जा खपत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या है एक वीडियो पर तो लाइक तो बनता है ना। आप किस लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिलेक्शन हो, श्योर आप सफल हो जाएं, ऐसे लिए तो मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करके क्लास करा रहा हूँ। फालतू की बातें ना करें, यहाँ पर मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा डायरेक्ट। ठीक है, या फिर आपको वीडियो ही दिखाई नहीं देगा, ब्लॉक करूँगा। तो फिर जब मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ कि क्लास कंटिन्यू चल रही है, टाइमिंग 7:30 से बता दिया हूँ, फिर भी आप लोग इस टाइम अगर आपने कमेंट करके टाइमिंग पूछा, मैं डायरेक्ट अपने ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा। पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो ये सरकारी अनुदान पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर? आप सभी को बताया हूँ KM मुंशी समिति। कौन सी समिति? KM मुंशी समिति। कमेंट कीजिएगा फटाक से, कौन सी समिति है? KM मुंशी समिति, याद रखिएगा KM मुंशी समिति। और जो ग्राम पंचायतों का जो आय का स्रोत होता है सबसे ज़्यादा आपका मेला बाजार से होता है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, प्रणाली है, ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्रामीण स्तर पर होगा। और जो इसका कार्यालय होता है यानी कि कार्यकाल समय 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, कौन निर्णय करता है? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार आपका निर्णय करता है। देखिए यहाँ पूछा भी गया है कि पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार। अब बात करें कि यदि पंचायत को भंग किया जाता है, ठीक है, मान लीजिएगा आप पंचायत को भंग कर देते हैं, तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक होना चाहिए? मात्र 6 माह। ठीक है,
मात्र कितने दिन? 6 माह। कमेंट कीजिएगा यहाँ पर, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल निराश नहीं करिएगा मुझे, ठीक है? बिल्कुल निराश नहीं करिएगा, इतना मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पंचायती राज व्यवस्था से है नहीं, कौन से सुधार हेतु कौन सी समितियां बनाई गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीवी के राय समिति, एल एम सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति, जो कि समितियां बनाई गई है। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? आप बताएंगे आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 को। ये बताइएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, ठीक है? हाँ, पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तर का होता है, ठीक है? आप सभी को पहले बताया था, क्विज की सिफारिश पर, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है अशोक मेहता समिति। आप बताइएगा पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष या 21 वर्ष? कमेंट करेगा। ये आंसर दिया है ये तो ठीक ही बात है, लेकिन आप लोग अपने मेहनत से आप लोग तैयारी किए हैं उसके हिसाब से बताइए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो आयु होती है 18 वर्ष होती है या फिर 21 वर्ष होती है? क्या? बिल्कुल सही। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? ये आपका 73वें संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवसाय किस लिए? राज्य सूची में ग्राम प्रधान होता है। पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए है ना 2 स्तर होते हैं, कौन कौन से? अशोक मेहता समिति, लेकिन उसके सुझाव के रूप में दिया गया था। देखिए, जो पंचायती राज दिवस है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। और पहली बार प्रधानमंत्री कार्यकाल के पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायत का मुख्य कार्य यानी कितने दिन का होता है? 29 विषय होता है आपका। 1996 में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए थे? 1996 में, जबकि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने, ठीक है? चलिए इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था? आप बताएंगे नरसिंह राय। और पंचायती राज देश में कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है?